तब्दीली के दावेदार, गुज़श्ता हुकूमत के अपलाही मंसूबे मुकम्मल करने में नाकाम। जनूबी पंजाब का वाहिद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान का तौसी मंसूबा चैलेंज बन गया। 3 अरब रुपए से ज्यादा की लागत के बावजूद मंसूबा 8 साल बाद भी नामुकम्मल। मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 1 अरब से ज्यादा के फंड की जरूरत। तौसी मंसूबे में 242 बेड्स का प्रोजेक्ट शामिल। उमर सेहत दोस्त पॉलिसी पर अमल पैरा होने में नाकाम। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल बहावल विक्टोरिया फंड की कमी का शिकार। वाजबात अदा न करने पर अस्पताल का वेस्ट इंसिनरेटर बंद कर दिया गया। एमएस कार्डिक सेंटर डॉक्टर फियाज अहमद के आइंदा हफ्ते तक वेस्ट इंसिनरेटर चलने की यकीन दहानी। लैया में सैलाब की तबाहकारियों से मिलेगी निजात। रायसिन से निकलने वाला लाला क्रैक पर हेड रेगुलेटर की तामीर आखिरी मराहल में दाखिल। 59 करोड़ के प्रोजेक्ट से शहर पहाड़पुर के निशाबी इलाके होंगे महफूज। डिप्टी कमिश्नर अजफर जिया और MPA शहाबुद्दीन सोहेड़ का हेड रेगुलेटर का दौरा। तरक्याती काम का जायजा लिया और हिदायत दी। उजदार हुकूमत के शहरियों को रिलीफ फ्राहम करने के दावे नाकाम। रहीमा खान के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। 8 दिनों से चीनी और 4 दिनों से चीनी गायब। शहरी महंगे दामों चीनी और आटा ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर। शहरियों का इंतजामिया से आटे और चीनी की फराहमी का मुतालिबा। आटा नहीं है, इंतजामिया को चाहिए कि आटा और चीनी भेजें। 8 दिन हो गए ना चीनी ना आटा आया। 8-10 दिन हो गए चक्कर लगा के ना चले गए, मिल नहीं रही। सरकारी गंदम पर आटा स्मगल करने वाली मिल्स के खिलाफ होगा भरपूर क्रैकडाउन। कमिश्नर बहावलपुर के दबंग अहकाम। आटा स्मगलिंग रोकने पर अपने इलाके में आटा सप्लाई न करने वालों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का हुक्म। रीजन भर के DCs को गंदम कोटे की कड़ी निगरानी करने की हिदायत। महंगाई ने तलबा का पढ़ना लिखना भी मुश्किल कर दिया। कागज की कीमतों में 5 रुपए फी किलो का इजाफा। 106 रुपए फी किलो वाला कागज की कीमत 111 रुपए फी किलोग्राम हो गई। कागज की कीमतें बढ़ने से ताजर बरादरी और वालदैन परेशानी से दुचार। ताजरों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा। कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा, डूबती मीशत एक बार फिर उभरने लगी। हुकूमत का 10 अगस्त से मेट्रो ट्रांसपोर्ट बहाल करने का ऐलान। मेट्रो रूट पर 35 बसें और फीडर रूट्स पर 90 बसें चलाई जाएंगी। मेट्रो बस सर्विस ने ऑपरेशन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। खाने के दिलदादा और होटलिंग के शौकीन हजरात के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने रेस्टोरेंट के लिए ज़ाबता अखलाक जारी कर दिया। रेस्टोरेंट के डाइनिंग हॉल में सोशल पार्टीज पर पाबंदी। 100 की बजाय 50% तक लोगों को खाना खाने की इजाजत। हर टेबल के मबैन 6 फीट का फासला। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी। 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों की रेस्टोरेंट में जाने पर पाबंदी। वेटर्स कस्टमर को बूफे एरिया से खुद खाना तकसीम करेंगे। करप्शन और नाहली की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के कमिश्नर्स, DCs, सेक्रेटरीज और RPOs की शिरकत। वीडियो लिंक इजलास में अफसरान को महकमों में जजा और सजा का निजाम मुतारिफ करवाने की हिदायत, ताकि महकमाना कारकर्दगी में बेहतरी आ सके। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए जाएं। CPO मुल्तान की जेर सदारत इजलास। मजालिस और जुलूस के लाइसेंस दरान और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। बेहतर हिकमत अमली अख्तियार करते हुए मजहबी इंतजाम को तरतीब देने की हिदायत की। रहीमिया खान में बारिश ने इंतजामिया के खोखले दावों का पोल खोल दिया। शहर की मुतादी सड़कें पानी की नजर। शहरियों का इंतजामिया से फौरी अमली इकदाम करने का मुतालिबा। सनामा में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश ने शहर को डुबो दिया। मेन रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा। बदबू और तापुन से राहगीर और इलाका मकीन परेशान। कहते हैं कारोबार ठप हो गया, किधर जाएं। फिलफौर पानी निकालने का बंदोबस्त करने का मुतालिबा। गैर मियारी खाद और अद्वियात फरोख्त करने वालों की खैर नहीं। महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़ का जिले भर में गैर मियारी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फील्ड अफसरान समेत एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी गईं। किसानों को गैर मियारी खाद की निशानदही करने की हिदायत। रहीम यार खान में पुलिस का जरायम की रोकथाम के लिए अपनी मददाफ के तहत बड़ा मंसूबा।
सीसीटीवी कैमरों की ऑटो मॉनिटरिंग के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के आईटी डिपार्टमेंट की मदद हासिल कर ली। गाड़ियों की नंबर प्लेट से रजिस्ट्रेशन की शिनाख्त के लिए नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्ट अद्दू में एमपी अशरफ खान दिन का राजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर फियाज अली के हमरा अवामी शिकायत पर सहूलियात का जायजा लिया। इंतजारगाह में पंखे न लगे होने पर एमपीए का इंतजामिया से बरहमी का इजहार। असिस्टेंट कमिश्नर फियाज अली ने फौरी इंतजारगाह में पंखे लगाने की यकीन दहानी करा दी। कानून की तालीम की बेहतरी के लिए अहम फैसले। लॉ कॉलेजेस में दाखिल होने से कबल तमाम तलबा के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना और 2000 रुपए जमा करवाना लाजमी करार। प्राइवेट लॉ कॉलेजेस भी दाखिल होने वाले तलबा की फहरिस्तें मुकर्रर मुद्दत में पाकिस्तान बार काउंसिल को फ्राहम करने के पाबंद होंगे। सूबाई बार काउंसिल्स में होने वाली इनरोलमेंट बारे शिकायत के हवाले से कमेटियां तश्कील देने का भी फैसला। ऐसा कहां से लाएं कि तुरसा कहें जिसे। सनामा में मजदूर जोड़ा अपने जैसे मजदूर अफराद की मदद करने लगा। मजदूर जोड़े ने मजदूर खवातीन में सिलाई मशीन और राशन तकसीम किया। कहते हैं हुकूमत को भी मजदूर अफराद की बहाली के लिए काम करना चाहिए ताकि मजदूर अफराद मुस्तहकम हो सके। चार पहियों वाली गाड़ी कहें या रिक्शा। मुल्तान में रेगुलर नामी गाड़ी के चर्चे। रेगुलर की बनावट रिक्शा और गाड़ी दोनों से मुशाबा। 3 साल की मुसलसल मेहनत के बाद बनने वाली रेगुलर गाड़ी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। और यौम आजादी को भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां रूज पर। मुल्तान कोटद्दू और उशरीफ में जश्न आजादी की तैयारियों के हवाले से सजावटी सामान के स्टॉल सज गए। बच्चों ने घरों को सजाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। शहरी सब्ज हिलाली परचम झंडियां बैजेस टोपियां मफलर और दीगर सामान खरीदने लगे।